फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनुभा कुकिंग स्टोरी। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मुरमुरे के लड्डू, जो मार्केट में मिलते हैं। बहुत इजी तरीके से आप घर पे भी बना सकते हैं। तो चलिए उनको पहले बताती हूँ क्या क्या सामान की आवश्यकता और बनाना स्टार्ट करती हूँ फटाफट। मैंने ले लिए हैं यहाँ पर ये मुरमुरे, एक बड़ा कटोरा भर के मैंने मुरमुरे लिए हैं। और ये मैंने गुड़ लिया है, और थोड़ा सा हम लेंगे शुद्ध घी और थोड़ा सा पानी लेंगे कटोरी में, ताकि हम गुड़ की चाशनी बनाएंगे तो उसको चेक करने के लिए। तो आइए सबसे पहले हम अपने मुरमुरे को सेक लेते हैं। अच्छे से क्रिस्प करना है मुरमुरे, तो चलिए मुरमुरे को क्रिस्प करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मुरमुरे हमारे अच्छे से क्रिस्प हो रहे हैं। इनको मैं दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए इतने क्रिस्प हो चुके हैं, आराम से टूट जाएंगे ये देखिए। तो अब हम इनको निकाल के इसमें गुड़ की चाशनी बनाते हैं। फ्रेंड्स, अब हम इसमें डालेंगे अपना लगभग एक चम्मच भर के घी। गुड़ की चाशनी बनाने के लिए मैं इसमें एक चम्मच भर के घी ले रही हूँ। आप कोई भी घी का यूज़ कर सकते हैं, मैं घर का घी ले रही हूँ हमारा। आप कोई भी घी यूज़ कर सकते हैं, सॉरी मार्केट का है, घर का नहीं है। आपके घर का कोई फ्रेश घी है वो भी ले सकते हैं आप। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ गुड़। अच्छे से इसकी चाशनी बनानी है, फ्लेम गैस की स्लो ही रख के। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बन रही है। इसको लगातार चलाते रहना है ताकि ये लगे नहीं। गैस की फ्लेम थोड़ा सा हाई करते हैं, बहुत स्लो है, ताकि ये गुड़ अच्छे से गल जाए। इसको चलाते हुए अच्छे से इसकी चाशनी बनाएंगे और उसको चेक करेंगे हम पानी में डाल के। अभी नहीं, अभी तो ये थोड़ी सी और पकानी है हमें इसको। तो चलिए इसको पका लेते हैं अच्छे से। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हों और आप चाहते हैं कि मैं और अच्छी और इस तरीके की नई नई रेसिपीज़ बनाती रहूं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर किया करें। बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको ईजी वे में मिल जाए। तो देखिए, आपसे बातें करते करते ये हमारी चाशनी भी तैयार हो रही है। फ्रेंड्स, अच्छे अच्छे ज़रा कमेंट कर दिया करिए। फिर देखिए चाशनी हमारी तैयार हो रही है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, चाशनी को हमको ऐसे पानी में डाल के इसको चेक करना है। ये देखिए, इस तरीके से पानी में डालते से इसका ये लड्डू जैसा बन जाएगा। देखिए आराम से, ये देखिए बन गया है। तो मतलब हमारी चाशनी तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे अपने मुरमुरे। बस 5 मिनट और चलाएंगे और फिर इसमें मुरमुरे डाल के फटाफट इसके लड्डू बनाएंगे, क्योंकि गरम गरम में ही लड्डू बनाना पड़ता है। अगर आप ठंडा कर देंगे तो एकदम हार्ड हो जाएंगे, तो बनेंगे नहीं। तो हम इसमें अपने ऐड करेंगे मुरमुरे, और मुरमुरे डालने के बाद इनको अच्छे से मिक्स करना है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। थोड़ा सा मैशी हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं, बहुत टेस्टी बनते हैं लड्डू। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद हाथ में थोड़ा सा पानी या फिर तेल लगा लगा के हम बनाएंगे इनके लड्डू। देखिए, ये हमारे अच्छे से मुरमुरे मिक्स हो गए हैं। तो चलिए अब इसको फटाफट इसके बनाते हैं लड्डू, नहीं तो ये एकदम से कड़क हो जाएगा और फिर इसके लड्डू बनना मुश्किल होंगे। तो आइए इसके बनाते हैं जल्द से लड्डू। ये देखिए फ्रेंड्स, इसके गरम गरम भी लड्डू बन सकते हैं आप, ठंडे करके इसके नहीं बना पाएंगे, बहुत गर्म है। देखिए, मैं ऐसे इसके लड्डू बांधूँगी, एकदम ऐसे टाइट लड्डू बन जाएंगे इसके। बहुत गर्म है, थोड़ा सा ठंडा होने के बाद बनाती हूँ, क्योंकि मैं हाथ भी नहीं लगा पा रही हूँ, इतना गर्म है इसको। थोड़ा सा ठंडा होएगा ना तो मैं इसके आराम से लड्डू बना दूंगी। ये देखिए, चलिए इसके लड्डू बनाते हैं। ये फ्रेंड्स, बनके तैयार है हमारे बढ़िया मुरमुरे के लड्डू। ये देखिए, आराम से बना सकते हैं आप इजी वे में घर पे। आप भी बनाइए, खाइए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हमारी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी। सो थैंक यू।